बहादुर जी पिताजी अभी आता है। आया पिताजी जल्दी आओ। पिताजी ये क्या, ये कौन है? सवाल बाद में, पहले प्रणाम करो। शीला तुम भी अपने सास को प्रणाम करो। क्या? हाँ, हम दोनों ने गंधर्व विवाह किया है। पिताजी आपने तो हमारी नाक कटवा दी। तो पहले भी कौन सी लंबी थी? लेकिन आपको इस उम्र में ये क्या सूझी? ये सूझी नहीं है, सूझी है। और अपनी माँ के सामने अपने बाप की तौहीन करता है पिताजी। चुप। अरे भड़कता क्यों है? ये बेचारी दुखी विधवा है, अनाथ आश्रम जा रही थी 2 लाख रुपए दान देकर एक बच्चा गोद लेने के लिए। मैंने कहा 2 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हें बच्चा दे देता हूँ। पिताजी आप मुझे बेचना चाहते हैं? तेरे को आटा नहीं देगा, 2 लाख रुपए कौन देगा तेरे को? और मैं कितना बुढ़ा हो गया हूँ कि इनकी गोद में बच्चा नहीं डाल सकता। लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं। क्या हुआ, मैं भी आ रहा हूँ, मेरी बीवी भी आ रही है। छोड़ दो मेरी बीवी को, हाथ लगाया तो छोड़ो, सुधी छोड़ दो, सुधी अरे छोड़ दो मेरी बीवी को, मत चिल्ला के जाओ, मैं तो मैं ऊपर केस कर दूँ। जिला जल्दी आओ, बुढ़ा बहुत उछल रहा है, जल्दी आओ जिला। जिला पिताजी, पिताजी, पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए। काय को शर्म आनी चाहिए, मेरे 20 रुपए का नुकसान हो गया मालूम। पहले मैं उसको होटल लेके गया, क्या चाय पीने के वास्ते, उसके बाद मंदिर लेके गया, फूल खरीदा, हार पहनाया उसको, उसके बाद ऑटो रिक्शा बैठा के यहाँ लेकर आया, वो 20 रुपए तेरा बाप देगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ तुम तो बोलोगी पत्नी के बिछड़ने का दुख क्या होता है, कोई मेरे दिल से पूछे। आपको पत्नी के बिछड़ने का दुख नहीं, 2 लाख रुपए का दुख है। तो 2 लाख रुपया को पत्नी से कम होता है क्या पिताजी? चलो बाजू, अभी 20 जिंदगी घर में खाना नहीं पकेगा, मैं तो फूल ही खाऊंगा, कितना कड़वा फूल है। बहादुर जी चलो। कहाँ? बचाने। क्या? बाजा। किसका? बैंड का, मेरा मतलब है बैंड बाजा। हाँ मैं नहीं बजाऊंगा। क्या देखो ज्यादा नखरे नहीं करना, हाँ आज मेरे नाचने का मूड है। और तुम जानते हो क्या? जिस चीज का मुझे मूड आता है ना, मैं वही करती हूँ। अरे अरे भगवान, ला मैं बजा देता हूँ बाजा। अब आए ना मूड में, ये लो। भारी है, बहुत भारी है, बजाओ। कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से? अरे बात नहीं, यहाँ से नीचे से बजाओ। पहले कभी बजाया नहीं था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। क्या हुआ, कहाँ से आवाज आई? पता नहीं, चलो बजाओ। संभल के, संभल के, संभल के। बहादुर, ओ बहादुर, बहादुर क्या हुआ? बहादुर संभल के, बहादुर, बहादुर लॉटरी खुल गई, लगता है बुढ़ा मर गया। क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं कुछ नहीं, सेठ लक्ष्मी राजे के घर पे खाने पे गए थे तो फिर इतना खा लिया, इतना खा लिया। आगे क्या हुआ? बस अंतिम दर्शन कर लो। इसका मतलब ये अभी तक मरा नहीं? क्या मतलब? तेरी मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। कमाल है ये बुढ़ा, खुसड़ बड़ी चालू चीज है, ऐसे खाना खा के मरने वाला आदमी नहीं है। तुम आदमी हो के पैदा मो यार, है अपने सगे बाप के लिए ऐसे कहते हो, तुम्हें पाप लगेगा। शर्त लगाते हैं, अगर ये बुढ़ा आज मर गया तो मेरी तरफ से आपको एक मारुति कार भेंट। मारुति? क्या कहा, क्या कहा? मारुति कार। मारुति कार, प्रॉमिस करते हो? देखो मैं अपना एड्रेस यहीं छोड़ के जाता हूँ, अगर ये मर गया तो कार मेरे घर पे भेज देना। चलो भाई चलो चलो चलो, मैं तुम्हें भी लिफ्ट दूंगा, चलो 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 चलो। शीला, अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये बुढ़ा फूल कैसे गया, ये खाने में डूब के मरा क्या? अरे इन्हें क्या हो गया? शीला सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटो, खुशी के दीप जलाओ, ये बुढ़ा आज मरने वाला है। क्या? अब हम गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, सारी दुनिया खरीद लेंगे, तुम जो चाहोगी वो होगा। तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम जरा चुप रहो, करंट लगाना। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे 10 को मार के मरूंगा, पूरा मोहल्ला खाली करके मरूंगा। और तुम खुशियां मत मनाओ, जाओ जाके थाली लेकर आओ। थाली? हाँ
वो क्या, जहाँ मैं खाना खाने को गया था वहाँ मैं खा कम रहा था, चुरा ज्यादा रहा था। आदत से मजबूर है। हाँ, ये देखो कहीं पकड़ा ना जाऊं, इसीलिए मैंने मरने का ढोंग किया। मेरा बंगला गया, अभी तू भी जाएगा, तेरे सारे अरमानों का खून हो गया, अभी तेरा भी खून हो जाएगा। ये देखो और देखो, ये ले, अब 3 दिन घर में खाना नहीं पकेगा। जाओ, देखा, तू भले मेरा बेटा ना हो मगर मैं तेरा बाप हूँ। अब मारुती कार तो एक तरफ, तुझे बाप रोती कार भी नहीं मिलेगी। एक बात पूछूं? क्या? आप सचमुच मेरे बाप हैं क्या? है? अगर जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए। मेरा कुत्ता मुझे पे फोड़ रहा है। आगे बताइएगा। 1, 2, 3, 4। पिताजी ये क्या है? दूध और क्या है? मैंने कब कहा ये पानी है, लेकिन 4 बूंद क्यों? ये मालूम नहीं किसकी औलाद मेरे घर में पैदा हो गई है। आप दौलत की दीमक, जब 4 बूंद दूध से काम चल सकता है तो ज्यादा डालने की क्या जरूरत है? बापू, अगर दुनिया भर के कंजूसों का मुकाबला रखा जाए तो आपको 100% वर्ल्ड चैंपियन का इनाम मिलेगा। कम से कम वर्ल्ड चैंपियन का तो इनाम मिलेगा ना, तेरे को तो वो भी नहीं मिलेगा। मर गया मैं जाऊं। तू पिछले जन्म में कुत्ता था क्या? हाँ, जो बीवी की आवाज सुनती है फट 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 दूध मिलाने लग जाता है वो। मैं जाऊं? शर्म नहीं आती? आती है थोड़ी सी। ये ईमान से मेरी औलाद नहीं। नहीं, शीला ये लो टॉवल। पिताजी क्या? अबे ये क्या कपड़े के साथ में आ रहा था? वो हैंडपंप खराब हो गया, वो डंडा हिलाते हिलाते टूट गया। अबे गधे की औलाद, अगर तू हैंडपंप नहीं चला सकता तो जिंदगी की गाड़ी क्या खाक चलाएगा? अच्छा देखो, कबाड़ में नीचे वाले खाने में मेरे बाप के पुराने कपड़े रखे हैं, वो पहने वाला सर्दी लग जाएगी। सर्दी और इस घर में, इस घर के सामने से फकीर गुजरते हुए डरते, सर्दी क्या खाक आएगी? बोला मैं क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला। बाप रे, मर गया, मर गया। मुझे 2000 रुपए दीजिए। 2000? साड़ी तो तूने पहनी, 1000 का क्या करेगी? 1000 नहीं, 2000। हैं? 2000? किस 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 खुशी में? 1 लाख का दहेज मैं अपने साथ लाई थी, वो तो आपने रख लिया। अब 2% के हिसाब से आपको मुझे उसका ब्याज हर महीने देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो नहीं तो आपके इस बेटे पर मिट्टी का तेल छिड़क कर इसे जिंदा जला डालूंगी। देखो बेटी, ये तो तुम्हारा जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है। इसको जलाना तो इस पर घास डाल के जलाओ ना, पेपर डाल के जलाओ ना, इस पर घासलेट डाल के जला के मेरा नुकसान क्यों करना चाहती हो तुम? मैं जल गया तो चलेगा, घासलेट का नुकसान हुआ तो नहीं चलेगा। अरे तेरे जैसा बेटा तो किधर भी मिलेगा, घासलेट किधर से मिलेगा? महंगाई कितनी बढ़ गई मालूम? मुझे आप पैसे देते हैं या नहीं? देता हूँ भाई, चोर की औलाद। 1 कम चलेगा? 2000 लेना। बहादुर, मेरा नाश्ता लेकर रूम में आ जाना। अभी लाया, जाऊं? तेरे को तेरे बाप की कसम, एक बात बता, तू किसकी औलाद है यार? आपका क्या ख्याल है? निकल निकल बाहर। तेरे को मालूम है भगवान ही किसकी औलाद है? नहीं ना, मेरे को भी नहीं मालूम। पिताजी, वो मेरा वीजा और पासपोर्ट का काम हो गया है, आप सिर्फ 15000 रुपए भरने हैं। आज का दिन कितना मनहूस है, जो आता पैसे की बात करता है। लेकिन पिताजी, मैं ये पैसे तो ब्याज समेत कमाकर आपको वापस कर दूंगा। सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई लौटाता नहीं। मेरे पहले तेरे ऊपर 4 लाख रुपए निकलते, पहले वो तो लौटा। कौन से 4 लाख रुपए? अरे तेरे पैदा होने से लेकर अब तक तेरे खिलाना पिलाना बड़ा करना, उस पर 4 लाख रुपए खर्च हो, सब ये डायरी में लिखा हुआ है। बोला, अरे ऐसा नहीं हो सकता कि तू अमेरिका जाए, पढ़ाई करे, लिखाई करे, वापस लौटाए, फिर मैं तेरे को 15000 दूं? जैसे पहले माल आता है अपन बिल्टी बाद में छुड़ाते हैं। आप जैसे पैसों का पुजारी हमने नहीं देखा पिताजी। नहीं देखा ना, तो आज देख लेना। देखा, जा 15000 चाहिए। अरे
अरे अमर तू देख के नहीं चलती हा? भगवान ने आंखें नहीं दी जो बेकाबू ट्रक की तरह किसी से भी टकराती फिरती हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम अगर 100 मील की रफ्तार से भागोगे तो एक्सीडेंट होगा ही। ब्रेक 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 ब्रेक। दरअसल इस एक्सीडेंट की वजह है वाहन गमन आगमन संकेतक। मतलब मतलब सिग्नल। ना तुमने सिग्नल देखा ना इसने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अच्छा अमर अमेरिका कब जा रहे हो? परसों। तो आज का हमारा आशीर्वाद लेने आए हो? जी नहीं, आपका नहीं, भैया भाभी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। हाँ तो जाओ अंदर, दोनों भैया भाभी बैठे। हाँ जा, 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 जा। चार दिनों तक कहाँ थे? तुम तो जानती हो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उसी में बिजी था। क्या 2 मिनट का भी वक्त नहीं मिला मुझसे मिलने के लिए? आज वक्त मिला तो आ गए आपके दर्शन के लिए। इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? होगा कहाँ से, घर गिरवी रखूंगा और क्या। नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। एक बार रखा था तो माँ जी की जान चली गई। सावित्री आप समझते क्यों नहीं, घर औरत के लिए एक मंदिर होता है जहाँ वो अपने श्रद्धा के दीप जलाए, आशाओं के उजाले में मुसीबतों का सामना करती है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को गिरवी रखने का सोचिए भी मत, आपको मेरी कसम। इतनी छोटी सी बात के लिए कितनी बड़ी कसम दे दी तुमने। अच्छा बाबा नहीं रखूंगा बस। भैया आओ आओ। अमर कैसे हो? परसों अमेरिका जा रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद। जीते रहो जीते रहो जीते रहो, अमेरिका से बहुत बड़े डॉक्टर बनकर लौटना। लेकिन लौटना जरूर। हाँ अच्छा सावित्री तुम अमर को चाय वाय पिलाओ, मैं चलता हूँ। अरे आशा अमर के लिए चाय ले आना। अरे भाई धनराज, साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने ही तुम एडवांस मांगते रहते हो, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ लेकिन इस बार बहुत सख्त जरूरत है सेठ जी, भाइयों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल भेजना है। कर्ज मांग मांग कर भाइयों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, छुड़ा के नहीं देते उनकी पढ़ाई? नहीं नहीं ऐसा ना कहिए सेठ जी, वो मेरे भाई नहीं मेरे बेटे हैं, और अपने बेटों का भविष्य बनाने के लिए कर्ज तो क्या, मुझे भीख मांगनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है लेकिन धनराज इस बार से मैं तुम्हारी 100 रुपया महीना नहीं, इस बार मैं तुम्हारी आधी तनख्वाह काटूंगा। बेशक आधी तनख्वाह काट लीजिए सेठ जी, लेकिन इस बार मेरी जरूरत पूरी कीजिए। जाओ जाकर कैशियर से ले लो। जीते रहो बच्चों और कामयाब होके वापस आओ। हाँ ये तुम्हारे पैसे। भैया हम जानते हैं आप कितनी मुसीबतों से हमें पढ़ा रहे हैं, आपकी आधी से ज्यादा कमाई तो हम दोनों पे खर्च हो जाती है। मेरी असली कमाई तो तुम लोग हो, तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। भैया हम आपके सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बच्चों। ये रहा तुम दोनों के खाने पीने का सामान, और हॉस्टल में अपना ख्याल रखना। अच्छा भाभी जीते रहो। भाभी जीते रहो। ए आशा की बच्ची, अरे तू रो क्यों रही है? अरे हम लोग जा रहे हैं ना, हमारे जाने के बाद ये झगड़ा किससे करेगी इसलिए रो रही है। तो ठीक है हम नहीं जाते भाई। मैं जाने से थोड़ी रोकती हूँ, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तुम लोग नहीं आए तो। अरे कैसे नहीं आएंगे? अरे हम अपनी बहन से राखी बंधवाने सर के बल चल के आएंगे। हाँ चल भी मुस्कुरा दे, चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी।